देख कितना ऊपर तक आया है, ये पूरा रास्ता को ठीक करने का कोशिश अभी जारी है। और हम तो, अरे भाई इसका बहाव बहुत ही स्ट्रांग है। हम लोग को रात भर नींद नहीं लगता है, पानी बढ़ गया बहुत ज्यादा, बादल फटा ना ये डैम बड़ा। सुरक्षा सुरक्षा कब पड़ेगा। हे गाइस, कैसे आप लोग, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल एंड फूड्स टीवी। मैं हूँ रिकी, और जैसे कि आप जानते हैं अभी सिक्किम में जो फ्लैश फ्लड हुआ था, तो जो NH 10 है जो रास्ता सिलीगुड़ी से गैंगटॉक तक जाता है, तो उधर ही आज हम लोग जा रहे हैं अभी। तो चलिए देखेंगे कैसा है उधर का नज़ारा, और आपको भी दिखाएंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए गाइस। तेरी रास्ता, बाप रे बाप। गाइस पानी का फोर्स देखिए, खतरनाक। और इस तरफ देखिए गाइस, मिट्टी देख कितना ऊपर तक आया है। आप ही सोचिए, पहले जिंदगी में इतना ऊपर तक नहीं आया, तो सोच सकते हैं आप कितना ऊपर तक आया था पानी। और ये जो ये डैम है वो भी थोड़ा टूट गया है, तो पानी का फोर्स काफी ज्यादा है। लैंडस्लाइड के कारण ये रास्ता भी टूट चुका है। अभी ये तो पहले थोड़ा और खराब था, अभी थोड़ा सा मिट्टी दिया है। ओ भाई खतरनाक, ये देखिए गाइस, ये रास्ता तो पूरा खत्म। देखिए गाइस, बाप रे बाप, यहाँ पे पूरा लैंडस्लाइड हुआ था और पूरा खत्म कर दिया। रास्ता को ठीक करने का कोशिश अभी जारी है, और हम तो, अरे भाई दोनों दिन हाय आगे थे उठाते होते ना, रास्ते का नीचे ही उतार दिया था एक्टिवा को, और ऊपर उठ ही नहीं रहा था, पर धकेल के फिर ऊपर उठाया। और देखते हैं आगे का कैसा कंडीशन रहता है रास्ते का। लीजिए गाइस, पहुंच गए लास्ट तक, ऑलमोस्ट जहाँ तक बाइक ला सकते थे। तो इस तरफ में बाइक रख दिया, और ये आप देख सकते हैं इसका बहाव बहुत ही स्ट्रांग है। और ये देखिए पूरा, ज़्यादा साइड में भी नहीं जा सकता, और इधर से अभी आगे पैदल ही जाना पड़ेगा। तो चलिए गाइस देखते हैं कितना तक पैदल जा पाते हैं। देखिए गाइस खतरनाक बहाव, मतलब ऐसा तीस्ता का कंडीशन पहली बार देख रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे रास्ता खत्म, पूरा रास्ता खत्म। इस तरफ देखिए, ये कटिंग का काम चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए रास्ता जैसे है ही नहीं, कितना पतला हो गया है। मतलब जो बहुत बड़ा रास्ता था अभी देखिए कितना छोटा हो गया है, और इस तरफ तो जाने से ही डर लग रहा है, खतरनाक। हम देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे देख लीजिए खतरनाक बहाव, किस तरह पे चला गया रास्ता, पूरा बहुत ही पतला सा हो गया है। देखिए, और अभी आगे चलते हैं। मैं तो शॉक हो गया ये देख के, आपको दिखाता हूँ गाइस। ये देखिए घर पूरा ढक गया है, आप सोच सकते हैं कि कितना ऊपर तक पानी आया था, ये कुछ भी नहीं था। ये देखिए अभी हर तरफ मिट्टी भर गया है, ये देखिए पूरा घर को खत्म कर दिया। और इस तरफ भी देखिए, ये भी सब खत्म, ये कपड़ा भी देखिए पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया है, देख लीजिए। और सोचिए जो घर वाले थे उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। मतलब आप एक घर में रह रहे हैं, और अचानक से आपका घर ही खत्म हो जाए, तो कैसा आप फील करेंगे। तो ये सोच के भी काफी डर लग रहा है, सीरियसली गाइस। ये सब कुछ जो भी आप देख पा रहे हैं, ये सब नदी से बह के आया है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए कुछ सी बीच जैसा बन गया है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना सामने से आपको दिखा पाऊँ। आप देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक चल रहा है नदी, मतलब यहाँ से देख के डर लग रहा है, सीरियसली गाइस। पोजीशन वाल कब देगा, वो हम लोग को रात भर नींद नहीं लगता है, पानी भर गया बहुत ज्यादा, तो आज तो कुछ ज्यादा ही दिखाई दिया पानी। और कोई बोलता है बादल फट गया,
हकीकत में ये क्या है समझ में नहीं आता। बादल फटाना ये डैम बड़ा ये पोटिशन वाल जो बोलता है कब करेगा? पोटिशन वाल कब देगा ये मतलब सुरक्षा कब करेगा? तो बड़ा अफसर आता है तो बोलता है जल्दी होता है, कौन अफसर आता है बोला जल्दी होता है। हम लोग घंटा तो ऐसे खाली ऊपर और नीचे करते रहते हैं। और कुछ लोग बोलता है ये किसका ब्रिज भी टाइम हुआ है नहीं हुआ नहीं है मेरे पीछे जो रास्ता देख रहे हैं ये टुवर्ड्स सिलीगुड़ी का रास्ता है और जो गैंगटॉक की तरफ जाता है आप खुद ही देख लीजिए, मैं बता नहीं पा रहा हूँ। ये देखिए गैंगटॉक वाला रास्ता कुछ है ही नहीं, पूरा रास्ता जो है गायब, जस्ट वैनिश्ड। देखिए पूरा तीसना के अंदर चला गया। आप सोच पा रहे होंगे कि क्या खतरनाक तरीके से पानी आया था कि एक रास्ते को ही गायब कर दे। देखिए गाइस मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि क्या बोलूँ, ऐसा कंडीशन देखने को भी मिलेगा कभी सोचा नहीं था गाइस सीरियसली। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अभी काम चल रहा है रास्ता बनाने का, क्योंकि अभी तो फिलहाल गाड़ी लेके नहीं जा सकते, रास्ता बंद है, तभी बहुत जल्दी जल्दी काम चल रहा है ताकि गाड़ी फिर से चल पाई है रास्ते से। सो गाइज मैं तो काफ़ी हैरान हूँ यहाँ का सिचुएशन देख के और मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। तो मैं तो जितना हो सके मैं हेल्प करने का कोशिश करूँगा इन लोगों को, का घर बह गया है तो और भी काफ़ी लोग मतलब ढूंढ रहे हैं उन लोगों को, तो काफ़ी तकलीफ में है। तो मैं भी हेल्प करने का कोशिश कर रहा हूँ, आप भी चाहे तो हेल्प कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली आके कुछ डोनेट कर सकते हैं, नहीं तो आप UPI ID दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें भी आप कुछ भी चाहे तो डोनेट कर सकते हैं, 10 रुपये हो 20 रुपये हो आपका मन जो भी चाहे। तो चलिए गाइस हम आप मिलके सिक्किम वालों को उनके पीछे खड़े हो और उनके उनको मदद करें ताकि वो फिर से नॉर्मल लाइफ जी सके। तो गाइस मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।